वेलकम टू ऑल। टुडे वी शैल डिस्कस अ न्यू फैमिली दैट इज ब्रेसिकेसी फैमिली। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रूसीफेरी फैमिली एंड यू से 2+4 फैमिली। इट इज ऑल्सो एक निक नेम, मान के चलिए कि आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2+4 फैमिली बोल सकते हैं। 2+4 मतलब ये होता है टेट्राडाइनेमस इसके स्टेमंस होंगे। पहचान इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस पहचानने का ये है कि आप इसके स्टेमंस को देखिए, ये आपको दो चक्र में दिखाई देंगे। दे आर फाउंड इन टू वर्ल, एक टू और फोर की, चार के फिलामेंट लंबे होंगे और दो के छोटे होंगे। आउटर वर्ल के दो छोटे होंगे स्टेमंस फिलामेंट उसके, और चार इनर के जो हैं वो चार बड़े होंगे, इसलिए दैट्स इट इज़ कॉल्ड टेट्राडाइनेमस। तो इस प्रकार से 2+4 फैमिली के नाम से आप लोग इसको जान सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इन्फ्लोरसेंस में। इन्फ्लोरसेंस यहाँ पर रेसीमोस टाइप का होगा और रेसीमोस में भी रेसीम टाइप का होगा, ध्यान रहे। और एक जीनस है आइबेरिस अमारा, उसमें कॉरिम्ब टाइप का होगा। कॉरिम्ब माने जहाँ पर है रेसीमोस टाइप का, लेकिन जो फ्लावर्स हैं आपको बंच में दिखाई देंगे इस प्रकार से। और होता यह है कि जो नीचे के फ्लावर रहेंगे उनके पेडिकल थोड़ा लंबे हो जाएंगे और सब एक ही साइड में आपको दिखाई देगा, समसिक टाइप का इसको बोलते हैं, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इधर के फिलामेंट मतलब पेडिकल बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है सारे फ्लावर एक ही प्लेन में आ गए हैं। इट इज़ कॉल्ड कॉरिम्ब टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस है रेसीमोस। होता यह है कि सरसों में भी स्थिति रहती है, यंग कंडीशन में इसी प्रकार का आपको गुच्छे में बहुत सारे फ्लावर्स पास पास दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है मेन एक्सिस, तो आपको फिर वहाँ पर टोटल रेसीम टाइप का इन्फ्लोरेंस दिखाई देता है। अब दिखाते हैं इसका आपको थोड़ा फोटो, तब कुछ समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर, ये क्लियर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक फ्लावर निकला है, उसके बाद ये फ्लावर निकला है, फिर इस प्रकार से फ्लावर्स एक के बाद एक निकले हैं। है मेन एक्सिस ये, और इसमें आपको जो नीचे के फ्लावर हैं दे आर ओल्डर, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फ्लावर विल बी यंगर। इसलिए देखिए यहाँ पर आपको बर्ड वगैरह दिखाई दे रही है, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पास पास आ गए हैं सब, ये कॉरियम टाइप का दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो क्रम है दैट इज कॉल्ड एक्रोपीटल सक्सेशन, मीन्स ओल्डर फ्लावर आपको नीचे दिखाई देंगे और जैसे जैसे मेन एक्सिस के ऊपर आप जाते जाएंगे तो एंगर फ्लावर आपको दिखाई देते जाएंगे। उसी प्रकार से होगा भी जब और आप फील्ड में जाएंगे, ये फ्लावर जब तक फल बना लेगा, छोटे छोटे फल आ जाएंगे इसमें, बन जाएंगे फल, फूल गायब हो जाएगा, तब तक ऊपर आपको छोटे छोटे फ्लावर दिखाई भी देते रहेंगे, ठीक है। मतलब ओल्डर फ्लावर पहले फ्रूट बनाएंगे, एंगर फ्लावर बाद में बनाएंगे, इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद और हमने एक लिया है फ्लावर, इस प्रकार से देखिए। अब देखिए फ्लावर को देखते साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चार पेटल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे आपको फोर पेटल दिखाई दे रहा है येलो कलर का, 100% मान के चलिए कि इट इज मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सीधा फ्लावर को देखिए और आइडेंटिफाई करिए कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। और यदि आपकी आंखें थोड़ा तेज हैं तो फ्लावर को वहीं ओपन भी कर सकते हैं और स्टेमन गिनेंगे तो आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर 6 स्टेमन्स आर देयर, 2 के फिलामेंट छोटे, 4 के बड़े जो इनर वर्ल में हैं। इस प्रकार से ये टेट्राडाइनेमस कंडीशन होगी और ये इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, विशेष लक्षण इसका दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ फ्लावर्स लिए हैं ताकि आपको रटना ना पड़े और समझ के जानकारी प्राप्त करें। यहाँ भी देखिए वही स्थिति है, चार पेटल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि फ्लावर बहुत छोटा होता है तो पेटल ही दिखाई दे सकता है, इसके अलावा इसके अंदर के स्टेमन वगैरह हम अभी आपको दिखा नहीं सकते, और थोड़ा बहुत सेपल्स दिख जाएगा नीचे, थोड़ा सा चार सेपल, ठीक है। इस प्रकार से तो फ्लावर इज टेट्रामेरस, ध्यान रहेगा पेंटामेरस नहीं है, डाइकॉट का है इसीलिए टेट्रामेरस है, और पेंटामेरस दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के पौधों में फ्लावर्स होंगे दे विल बी ऑलवेज टेट्रामेरस टाइप के, चार पेटल रहेंगे,
चार सेपल रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद आते हैं और एक आकृति दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर भी स्थिति दिख रही है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टिग्मा, फिर ये ओवरी इस प्रकार से, और बीच में स्टाइल है इस प्रकार से, क्लियर, ठीक है। और ये आपको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और नीचे सेपल्स दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, तो क्लियर कट जहाँ चार पेटल दिखाई दिए और इस प्रकार से 2+4 स्टेमन्स वगैरह दिखाई देंगे अंदर खोलेंगे जब, तो 100% मान के चलिए क्या है ये आपका ब्रैसिकेसी फैमिली का पौधा है। इसके बाद आपको एक आध कलर्ड फ्लावर दिखाते हैं इसका, देखिए ये भी क्रूसीफेरी का है, 4 पेटल्स आर देयर, ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4 टेट्रामेरस फ्लावर है। और इसके साथ साथ पेटल्स में खासियत भी है कि ऊपर का भाग थोड़ा चौड़ा रहता है, लिम्ब कहलाता है, जैसे जैसे यहाँ जाएंगे तो ये छोटा रहेगा इस प्रकार से रहेगा, मतलब मान के चलिए ये ऐसा है, सरसों की बात बता रहा हूँ मैं, ये लिम्ब है और ये क्ला। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो चार पेटल हैं दे आर अरेंज इन क्रूसीफॉर्म, मतलब क्रॉस के रूप में ये डायगोनली प्लेस्ड हैं एक दूसरे के, इसलिए इस क्रूसीफेरी में नाम दिया गया था पहले इसका, कि यहाँ पर एक तो पेटल्स को 2 भागों में बांटा है, अपर लिम्ब और लोअर क्ला जो कि नैरो है और ये थोड़ा सा ब्रॉड है। उसके बाद इनका जो अरेंजमेंट है वो क्रॉस लाइक है, क्रॉस फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड क्रूसीफॉर्म। इस प्रकार से फ्लावर को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ब्रैसिकेसी फैमिली का पौधा है। इसके बाद हमने फ्लावर दिखा दिया, अब ये देखिए इसका एक प्लांट दिखा रहे हैं, इसमें देखिए लीव्स दिखाई दे रही हैं जो वीणाकार हैं, लायरेट शेप की, ठीक है, पेडिसिलेट है, यहीं से लीफ को देख के रटने की जरूरत नहीं, सिंपल लीफ है, फिर अल्टरनेट है, फिलोडेक्सी, देखिए अल्टरनेट का मतलब एक लीफ ही है बाद में दूसरी लीफ निकलेगी ऊपर, फिर अल्टरनेट एक के बाद एक 1 by 1, ठीक है, और सिंपल लीफ है। उसके बाद रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पत्ती को देखेंगे तो और क्लियर दिखाई देगा। इसके साथ साथ इसमें देखिए लायरेट से मैंने बताया वीणाकार, ठीक है ना, मीन्स यहाँ पर सामने का लोब थोड़ा चौड़ा रहेगा और इधर साइड के लोब थोड़ा सा लेटरल लोब जो है वो स्मॉलर रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई। और यहाँ पर देखिए करेक्ट क्लियर फल दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये फल फ्रूट्स बन गए हैं, सिलिकुला टाइप का ये जो फल है ये दिखाई दे रहा है, मतलब ये ओल्डर फ्लावर पहले फल बना चुका है, उसके बाद ऊपर से फ्लावर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर कट है, ये आपका इन्फ्लोरेसेंस बता रहा है रेसिमोस में, टिपिकल रेसिम टाइप का है। फिर एक फ्लावर को देखिए जब उसका LS काटा गया है तो आपको यहाँ पर पेडिकल दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेपल्स और ये पेटल्स दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है स्टेमन्स देखिए, स्टेमन्स के जो 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से 6 हैं तो ये लंबे हैं और इधर के जो आउटर वाले के 2 रहेंगे वो छोटे रहेंगे। LS में 3 ही स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, बाकी 3 और हैं, और ये बीचों बीच जो दिखाई दे रही हैं ये हैं कार्पल, जिसमें ये वाला भाग ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स वगैरह रहेंगे। तो इस प्रकार से एक डायग्राम आपको दिखाया गया। इसके बाद हम आते हैं, इन्फ्लोरेसेंस तो बता दिया मैंने, उसके चलते साथ में और चीज़ें दिखाई हैं। तो हमने क्लियर कर लिया कि इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप का है और उसमें भी रेसिम टाइप का मेन है, टिपिकल रेसिम है, लेकिन यंगर कंडीशन में कॉरिम टाइप का रहेगा। खासकर आइबेरिस का जो प्लांट है उसमें, जिसको कैंडी टाइप भी कहा गया है, वो कॉरिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस शो करता है, रेसिमोस, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ रेसिमोस। अब देखिए फ्लावर को हमने देख ही लिया था, फ्लावर एक्टिनोमार्फिक था, ठीक है। एक्टिनोमार्फिक का मतलब क्या हुआ कि आपको जितने भी पेटल दिखाई देंगे, जो भी फ्लोरल पार्ट दिखाई देंगे, सब एक ही बराबर, एक ही साइज, शेप और साइज के में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, सबसे बड़ी पहचान। आप उतने छोटे फ्लावर को डिसेक्ट काट भी नहीं सकते कि आप उसको सेंटर से काटें, 2 बराबर भागों में बांटें, किसी भी प्लेन से काटें, लेकिन सेंटर से गुजरना चाहिए, तो उतना ठीक है बताने का है परिभाषा, लेकिन यहाँ समझने की बात है कि एक्टिनोमार्फिक क्यों है। बिकॉज ऑफ साइज ऑफ पेटल्स, मोस्टली दे आर इक्वल इन साइज एंड शेप, देन देयर इज 4 सेपल्स, 4 पेटल्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टेट्रामेरस।
एक एक चीज को आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है, तब कहीं जाके आपको फैमिली में आनंद आएगा। और साथ में फ्लावर रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। अब बाइसेक्सुअल क्यों है? बिकॉज आप बोथ पार्टनर्स आर प्रेजेंट। बोथ पार्टनर मीन्स आपका एंडोसियम और गायनोसियम दोनों प्रेजेंट है, मतलब स्टेमन और कार्पल यूनिट उनकी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है रेगुलर हैं, रेगुलर का मतलब यहाँ पर सभी आपको दिखाई दे रहे हैं क्या पार्ट्स, दैट्स वाई इट इज रेगुलर, कंप्लीट है सभी पार्ट्स हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है इसलिए रेगुलर है, और कंप्लीट मींस ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट। हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस का मतलब मैंने बताया है पिछली बार कई बार कि यहाँ पर जो ओहरी रहेगी इस प्रकार से ओहरी के नीचे से सब पार्ट्स निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, भले पेटल जा रहा है सब पर से स्टेमन जा रहा है, लेकिन ये ओहरी सुपीरियर कंडीशन में रहेगी इस प्रकार से। ये ओहरी मान लो तो ये ओहरी के नीचे से यहाँ सब निकलेंगे, थैलमस है इस प्रकार से, तो ओहरी यहाँ पर सुपीरियर रहेगी। और हाइपोगाइनस, हाइपो मीन्स बिलो, गाइनोसियम के नीचे से निकले। इन केस ऑफ आइबेरिस जिसकी बात कर रहा था मैं, उसमें फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा? ये इसके पेटल्स जो हैं समान साइज के नहीं रहेंगे, पोस्टेरियर पेटल जो रहेंगे वो बड़े रहेंगे, पोस्टेरियर जो पेटल रहेंगे आपको इस प्रकार से बड़े बनाना है, और एंटीरियर पेटल को छोटे बनाना है इस प्रकार से। जब आप बनाओगे तो इस प्रकार से इस ऐसा दो पोस्टेरियर पेटल बड़े और दो एंटीरियर पेटल छोटे, ठीक है, इस प्रकार चारों बराबर नहीं रहेंगे, दो बड़े और दो छोटे रहेंगे, क्लियर। इसके कारण क्योंकि दो स्मॉल हैं दो लार्ज हैं, इसलिए आइबेरिस का जो फ्लावर रहेगा दैट विल बी जाइगोमॉर्फिक, केवल एक ही बार दो बराबर भागों में बटेगा, दैट्स ऑल। अब आइए सेपल के बारे में। सेपल यहाँ पर के टू प्लस टू दो वर्ल में पाया जाएगा, ध्यान रहे दो चक्रों में। आउटर के जो दो रहेंगे दे आर एंटीरियो पोस्टेरियर। एंटीरियो पोस्टेरियर का मतलब एक पोस्टेरियर में है दूसरा एंटीरियर में, ऐसा। और इनर वर्ल्ड के जो दो रहेंगे वो लेटरल रहेंगे, ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए ये पोस्टेरियर सेपल, ये एंटीरियर सेपल, ये आपका लेटरल सेपल और ये लेटरल सेपल। तो अंदर के जो दो सेपल हैं वो आपके लेटरल हैं, और आउटर वर्ल्ड के जो दो सेपल हैं वो एंटीरियर पोस्टेरियर है, क्लियर, इस प्रकार से देखा। अब इसके बाद दे आर फ्री, फ्री मीन्स स्वतंत्र हैं। कॉर्डकस हैं, कॉर्डकस मीन्स होता है आशुपाती, बहुत जल्दी ये फ्लावर से फॉल डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट टाइप का होगा, कोर छड़ी। अब आइए आपका पेटल में, पेटल्स यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसके चलते इसका प्रीवियसली नाम क्या दिया गया था, क्रूसीफेरी। तो दे आर फ्री, डायगोनली प्लेस्ड हैं, मैंने पहले भी बताया, और क्रूसीफॉर्म टाइप के हैं। पेटल्स में दो भाग होंगे, लिम्ब और क्ला, ये देखिए लिम्ब दिखाई दे रहा है और क्ला दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर इसका जो अरेंजमेंट है बड़ा पिक्यूलर टाइप का है, क्रूसी फॉर्म टाइप का है, क्रॉस टाइप अरेंज है। इसके बाद आता है आपका मेन पार्ट स्टेमन। किसी भी फ्लावर का जो सबसे मेन पार्ट होता है दैट विल बी स्टेमन एंड कार्पल। तो एंडोसियम की यूनिट जो है आपको बताना है, एंडोसियम की यूनिट होती है स्टेमन। यहाँ पर 2+4 6 स्टेमन हैं, लेकिन दे आर फाउंड इन 2 वर्ल्ड, उसमें भी 4 के फिलामेंट बड़े, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टेट्रा डायनेमस, इट इज कॉल्ड टेट्रा डायनेमस, इसको बोलेंगे टेट्रा डायनेमस। ही देखिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं इसको इस प्रकार से, तो ये टेट्रा डायनेमस हो गया। आउटर वर्ल्ड के जो दो रहेंगे वो आपके लेटरल स्टेमन कहलाएंगे, और लेटरल में रहेंगे मतलब, और शार्टर रहेंगे, उनके फिलामेंट थोड़े छोटे रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और जो इनर वर्ल्ड के स्टेमन्स रहेंगे उनके फिलामेंट लंबे रहेंगे इस प्रकार से, 4 बड़े और 2 छोटे। तो 2+4 इसका आप आइडेंटिफिकेशन के नाम नोट कर लीजिए कि ब्रेसिकेसी मीन्स 2+4 फैमिली। अब आइए कि टेट्रा डायनेमस हो गए, और जो दो इनर वर्ल्ड के 4 हैं उनमें चारों में से दो एंटीरियो, एंटीरियो पोजिशन क्या रहेगी उनकी, एंटीरियो पोस्टेरियर, अभी फ्लोरा डायग्राम में बताते हैं। देन कम टू एंथर, एंथर डाइथीकस रहेगा, दो एंथर लोब रहेंगे, इंट्रोज रहेगा अंतर्मुखी, और बेसी फिक्स रहेगा,
आधार से इसके लोग फिलामेंट से लगे रहेंगे। क्लियर। इसके बाद अब आपको ले जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई पार्ट होता है फ्लावर में वो होता है गायनोसियम। जिस प्रकार से घर में माँ सबसे सर्वोत्तम होती है या उसको उत्तम माना गया है क्योंकि उसी के चलते परिवार आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से किसी भी फ्लावर में कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज गायनोसियम, क्योंकि उसी से फल बनेगा, उसी फल के अंदर बीज बनेंगे और उसी से हमारा संसार चलता है। तो उसका आध्यात्मिक महत्व भी समझिए कि फल या जो फीमेल पार्ट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। विदाउट फीमेल पार्ट नोबडी कैन सर्वाइव इन दिस अर्थ, ध्यान रहे। तो गायनोसियम देखिए, गायनोसियम में कार्पल की संख्या कितनी है, दो है, बाई कार्पलरी, ऐसे पंड लिखना है आपको, बाई कार्पलरी नंबर वन लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखा मैंने, सीन कार्पस जुड़ा है तो फिर सुपीरियर होगी, तीन पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, बाई कार्पलरी, सीन कार्पस एंड सुपीरियर होगी। उसके बाद फार्मूला लिख देंगे, यूनिलॉकुलर लाक्यूल एक ही रहेगा लेकिन फाल सेप्टम बनने के कारण ये बाईलॉकुलर हो जाएगा, ठीक है। और प्लेसेंटेशन कैसा रहेगा, पेराइटल प्लेसेंटेशन रहेगा, मेनी ओव्यूल जनरली 2+, आपका हर लाक्यूल में दो दो ओव्यूल रहते हैं लेकिन ज़्यादा भी रह सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और ये देखिए, ये अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर पोजीशन क्या है कार्पल के, यहाँ पर दो कार्पल हैं, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद ये प्लेसेंटा है और ये भी प्लेसेंटा है। तो होता क्या है कि पहले बाई कार्पलरी तो है और सिन कार्पस, दोनों कार्पल जुड़े हैं लेकिन बीच में लाक्यूल नहीं, ये सेप्टा नहीं, इसलिए इसको यूनिलॉकुलर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पतला सा थिन सेप्टम बनता है, पतला सेप्टम जिसको रेप्लम बोलते हैं या हॉल सेप्टम बोलेंगे, झूठा पट, दिस इज कॉल्ड हॉल सेप्टम, दैट्स वाई ओरी बिकम बाईलॉकुलर, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये पूछा जाता है कि यूनिलॉकुलर से बाईलॉकुलर क्यों हो गया, देयर इज नो सेप्टम, वो लोग नहीं साहब यहाँ पर सेप्टम है बट इट इज फॉल सेप्टम या यू कैन से रेप्लम, दैट्स वाई इट इज बाईलॉकुलर। और प्लेसेंटेशन कौन सा होगा, भित्ती से लगा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेराइटल प्लेसेंटेशन, क्लियर। और हर लाक्यूल में दो दो ओव्यूल हैं, इस प्रकार से, क्लियर। इस प्रकार से ये बहुत अच्छे से समझिए तब कहीं जाके काम बनेगा। उसके बाद आपका आता है फ्रूट, तो ये हो गया पूरा, ओव्यूल की बात हो गई, सब हो गया। इसके बाद आइए फ्रूट, फ्रूट यहाँ पर सिलिक्वा होगा या सिलिकुला होगा। सिलिक्वा जनरली फल दोनों के एक साइज लंबाई के रहते हैं, पर इसकी यदि साइज छोटी होगी तो उसको सिलिक्वा बोलेंगे और साइज लंबी है तो सिलिकुला बोलेंगे। सरसों वगैरह में सिलिकुला मिलेगा, आइबेरिस में आपको सिलिक्वा मिलेगा, मूली वगैरह में थोड़ा दूसरा फल है लोमेंटम टाइप का है, ठीक है। उतना बारीकी से जाने की जरूरत नहीं, कोई आपको बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं बनना है, फंडामेंटल जानने की जरूरत है, बीएससी लेवल में या आपको 12वीं के लेवल में या पीएमटी पीईटी के लेवल में दे रहे होंगे, उसके लिए मैं आपको सफिशियंट जानकारी दे रहा हूँ। इवन आईएएस और पीएस में भी आपको एक फैमिली यदि पढ़ते हैं तो वहाँ भी थोड़ी बहुत एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा, लेकिन यदि रिसर्च वगैरह करना है तो बहुत आपको डूबना पड़ेगा उसके लिए। अब आइए हम देखते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले कॉन्डिमेंट्स के रूप में यूज करना है, कॉन्डिमेंट्स मतलब मसाले के रूप में, फिर वेजिटेबल के रूप में, वेजिटेबल मीन्स आपको सब्जियों में यूज करना है, बताएंगे अभी इसके नाम वगैरह तो समझ में आएगा। सलाद के रूप में यूज किया जाता है जनरली, मूली वगैरह, रेडिश जिसको बोलते हैं। कैटल फीड, कैटल फीड मतलब जो अपन सरसों तेल निकालते हैं, ऑयल तो प्राप्त करते हैं, इस फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, ऑयल है, सरसों का तेल बहुत ही फेमस है ये। तो ये सरसों का तेल के बारे में बताते हैं अभी, तो जो खली निकलती है सरसों तेल निकालने के बाद वो बहुत ही पौष्टिक मानी गई है, और कैटल्स जो हमारे चौपाया जानवर हैं उनको खिलाने से ऐसा माना गया है या मानते क्या, मैंने देखा है दूध बढ़ता है गाय में, वो भी देसी गाय में ज़्यादा इसका फायदा देखा गया है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं, आपको फ्लोरा डायग्राम दिखाते हैं सबसे पहले, जिसके चलते आप थोड़ा पहचानेंगे, ये देखिए फ्लोरा डायग्राम है। अब इसमें क्या है, ये मदर एक्सिस लगा दी गई है, 4 सेपल दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें देखिए
एंटीरियो पोस्टीरियर, एक पोस्टीरियर ये है, दूसरा एंटीरियर ये है, तो ये हो गया एंटीरियो। आउटर वाले के कैसे हो गए? एंटीरियो पोस्टीरियर। और लेटरल वाले के ये जो इधर इनर वाले के कैसे हैं? लेटरली सिचुएटेड है, ये देखिए लेटरल में है, ये इनर वाल के अंदर के चक्र का है। तो के कितना हो गया? 2+2, आउटर और इनर वाल, क्लियर हो गया। अब देखिए पेटल्स 1, 2, 3, 4, चार पेटल हैं। एस्टिवेशन कौन सा है? वॉल्वेट। वॉल्वेट का मतलब ये होता है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दूर है मतलब, पर ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है, जबकि ये बाहर वाला कैसा था? सेपल इम्ब्रिकेट टाइप का था, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर कर, एस्टिवेशन भी समझना है आपको, उसी से फ्लोर डायग्राम बनेगा। ये वॉल्वेट एस्टिवेशन हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टेमंस को देखिए, आउटर वाल के जो रहेंगे दे आर लेटरली, लेटरल में आपको दो स्टेमन दिखाई दे रहे हैं जो छोटे वाले हैं, और इनर जिनके फिलामेंट छोटे हैं, ये तो एंथर है। ये चार जो दिखाई दे रहे हैं ये अंदर के इनर वाल के हैं, जो एंटीरियो पोस्टीरियर के साइड में है, दो पोस्टीरियर साइड में है, दो एंटीरियर साइड में है, ये दो जो दिख रहे हैं ना ये एंटीरियर साइड, हमेशा ध्यान रखेंगे फ्लोरल एक्सिस जहाँ पर वो पोस्टीरियर साइड है, इसके अपोजिट वाला क्या है? एंटीरियर है, ये ए और ये पी, हमेशा ध्यान रखिए। जब भी कोई फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं मदर एक्सिस के साइड वाला जो भी रहेगा वो पोस्टीरियर साइड रहेगा और ये एंटीरियर साइड रहेगा। तो इस प्रकार से आपको दिखाई दिया चार पेटल और ये स्टेमन, चार स्टेमन जिसमें से दो आपके एंटीरियर और दो पोस्टीरियर और दो लेटरल, इस प्रकार से 2+4 टेट्राडाइनेमस, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, चार के फिलामेंट लंबे और दो के छोटे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देन कम टू सेंटर पार्ट, दिस इज कॉल्ड आपका ओहरी, जो कि बाइकार्पलरी है 1, 2 और यूनिलाकुलर थी, लेकिन फाल सेप्टम बनने के चलते क्या हो गया, ये बाइलाकुलर हो चुकी है, प्रत्येक लाकुल में ओव्यूल में दो दो, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको पेराइटल प्लेसेंटेशन दिखाती होगी, मतलब पूरा का पूरा पिक्चर इस फ्लोरल डायग्राम के द्वारा आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम फार्मूला भी लिख सकते हो, क्लियर। इस प्रकार से हमने ये देख लिया और इसका तो बता ही दिया है पहले, ठीक है। अब इसके बाद फ्लोरल डायग्राम के साथ फ्लोरल फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए। तो फ्लोरल फार्मूला के लिए यह है कि मान लीजिए सबसे पहले आपको लिखना होगा एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है, उसके बाद के 2+2, ठीक है, फिर सीधा ही लिखना है लेकिन अभी आ नहीं रहा है इसमें, C4 एक ही लाइन में लिखना है, C4 ए 2+4 और G2, इस प्रकार से सुपीरियर ऐसे पढ़ेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, उसके पहले ई ब्रैकेट भी लिख सकते हो, ई ब्रैकेट मतलब ब्रैक नहीं है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, सेपल्स 2+2 फाउंड इन 2 वर्ल, पेटल्स 4, स्टेमन 2+4, कार्पल आपका बाइकार्पलरी, सेन कार्पस और सुपीरियर ओवल, पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम के साथ फ्लोरल फार्मूला भी आपका आ जाता है। इसके बाद आते हैं अपन मिसलेनियस, जो छूट गया है थोड़ी बहुत बातें। पहले सबसे पहले किसी भी फैमिली को जब आप डिस्क्राइब करते हो तो फ्लावर पे ज़्यादा इम्फेसिस दो, जोर दो, ताकि वहाँ पर ही नंबर भी मिलता है और उसमें नंबर तो बात की बात है, नंबर के पीछे ज़्यादा मत भागो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर फ्लावर्स में ही रहते हैं, उस पर ध्यान दो, उससे आपको आइडेंटिफिकेशन करने में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और कुछ लगेगा कि हमने कुछ पढ़ाई की है, रटने से कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए मिसलेनियस में भी लिखना है कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये फैमिली, वर्ल्ड वाइड है, मतलब चारों तरफ आपको मिलेगी, ठीक है, और मिलेगी मीन्स सब तरफ आपको दिखाई देगी, और इस प्रकार से थोड़ा बड़ा कर रहे हैं इसको, ये मोर इन टेम्परेट एंड कोल्डर रीजन, मतलब इसके पौधे ट्रॉपिकल से ज़्यादा टेम्परेट एरिया में मिलते हैं, जहाँ पर थोड़ा ठंडक भी रहनी चाहिए, कोल्डर रीजन, इसलिए देखना सरसों की भाजी वगैरह आपको शीत ऋतु में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो पौधे हैं दे आर एनुअल एंड बाई एनुअल, मीन्स मोस्टली जो पौधे रहेंगे वो या तो एक साल में तक में पूरी कंप्लीट कर लेंगे लाइफ साइकिल, या 2 साल अधिकतम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। रेडिस वगैरह में 2 साल तक, पत्ता गोभी वगैरह में भी आजकल 2 साल तक चलता है काम,
की लाइफ साइकिल पूरी होती है, जनरली एनुअल है वो। और इसमें जो रूट्स रहेंगी, चूँकि डाइकॉट है तो सवाल ही नहीं उठता, टैप रूट रहेगा। और आपके जो मूली में रूट्स, जो मूली खाते हैं आप लोग रेडिस, वो कोनिकल रूट रहता है, उसमें फूड स्टोर है, ठीक है। और आपका जो टर्निप है, सलजम जो आप खाते हैं, सलजम भी नेपी फॉर्म टाइप का है रूट। सलजम है, गांठ गोभी है, ये सब जो नीचे होती हैं ज़मीन के, उसमें रूट्स जो है मॉडिफाइड हो जाती हैं, और एक विशेष प्रकार का उसमें फूड मटेरियल रहता है जो कि फ़ायदा करता है शरीर के लिए, ध्यान रहे, बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है, मतलब आपको विटामिन वगैरह तमाम चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। एस्टेम के बारे में जाने, तो एस्टेम यहाँ इरेक्ट है, देखा है हमने, हर्बेसियस नेचर का है, और आपका रिड्यूस्ड हो जाता है रेडिस में, मूली में ये रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स थोड़ा कम विकसित होगा टर्निप वगैरह में, सलजम वगैरह में थोड़ा रूट, मतलब स्टेम जो है यहाँ पर आपको उतना विकसित दिखाई नहीं देगा। अब आइए पत्ती में, लीव्स में, लीव्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सिंपल लीव्स हैं एक तो, उसके बाद आपका अल्टरनेट हैं, और मतलब मैंने दिखाई दिया था एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुल नहीं है इसमें, पनगेंट इसमें लाएगी, मीन्स सल्फर इसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो खुशबू इसकी बिल्कुल सल्फर जैसे आती है, कभी भी आप इसको उबालेंगे, सब्जी वब्जी बनाएंगे तो एक अलग से गंध आएगी, और बहुत ही डाइजेस्टिव मानी गई शरीर भोजन में, और आपको खाना बहुत जल्दी आपका पच जाता है, इसलिए सरसों की भाजी उपयोग करिए ज़्यादा, मूली वगैरह की सब्जी वब्जी खाइए, और मूली कच्चा भी खाइए सलाद बनाने के लिए। तो मूली क्या है, आपको आप डाइजेशन के लिए बड़ा हेल्प करता है, लीवर के लिए बहुत गुणकारी माना गया है। तो इस प्रकार से मूली में खासियत यह है कि आपके सारी चीज़ों को पचा देती है, लेकिन खुद नहीं पच पाती, ध्यान रहे, इसलिए मूली को खाने के दिन को ही खाने की कोशिश करिए। उसके बाद पत्तियां जो हैं यहाँ पर, मैंने पहले बताया लायरेट शेप की हैं, वीणाकार की हैं, वीणाकार का मतलब इसमें आपको टर्नल लोब जो रहेगा वो मैंने दिखाया था लार्जर रहेगा, और लेटरल जो लोब रहेगा वो शार्टर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लीफ हो गई लार्जर साफ। फिर उसके बाद कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, देखिए फूल गोभी जो खाते हैं वो वास्तव में अंडर डेवलप्ड है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित हुआ फूल नहीं है, कंडेंस्ड सॉलिड मॉस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, वहाँ जो खा रहे हैं अपन फूल गोभी, नाम है फूल लेकिन वो पूरी तरह से फूल नहीं बन पाया है, कंडेंस्ड सॉलिड मॉस है इन्फ्लोरेसेंस का, ठीक है। कभी आप गोभी का फूल देखेंगे निकलते हुए तो आपको कुछ अलग दिखाई देगा, ठीक है, वहाँ पर आपको फिर चार पेटल वाला फूल दिखाई देगा, जो मूली में भी दिखाई देता है वैसे बहुत देर बाद, लेकिन उसके पहले हम लोग वैसी गोभी कल्चर नहीं करते। तो कंडेंस सॉलिड मास है एक प्रकार से, और ये सॉलिड मास इन्फ्लोरेसेंस है, कहने का मतलब, ठीक है, इस प्रकार से कंडेंस सॉलिड मास ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है जो अंडर डेवलप्ड है। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पे आ जाते हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में मैंने पहले ही बताया। अब इसके बाद कुछ प्लांट्स हैं जैसे ब्रेसिका कॉम्पेस्टिस नंबर वन, ब्रेसिका जेंसिया, ये सरसों का नाम है, एक राई का नाम है जेंसिया राई, इन दोनों से ऑयल निकाला जाता है और कंडीमेंट्स वगैरह मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और कुकिंग के लिए बेस्ट माना गया है। और खासियत यह है सरसों के तेल में कि इस अचार आप बनाते हैं कोई भी आम वगैरह का, तो उसमें आप कोई दूसरा मीठा तेल वगैरह नहीं डालते, सरसों तेल ही डालेंगे गर्म करके और ठंडा करने के बाद उसके, क्यों, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और इसके द्वारा जो होने वाले इन्फेक्शन हैं फंगस वंगस के वो सरसों तेल के रहते नहीं होता, मीठा तेल डालेंगे तो आपका अचार ख़राब हो सकता है, ध्यान रहे, तो इसलिए सरसों तेल को बेस्ट माना गया। और खाने में भी अधिकांश सब्जियों को आपको सरसों तेल से ही बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, रेजिस्टेंट बढ़ता है, और ख़ासकर जो बैक्टीरिया हैं इनका प्रकोप जो है वो सहने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, तो रेजिस्टेंट प्रदान करने में है। और ख़ासकर ठंड के दिनों में आपको इसका तेल का मालिश भी करना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो उसके बाद हमको तीन प्रकार की गोभियाँ बताई जाती हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी। तो एक है आपका एडिबल इन्फ्लोरेसेंस कॉलीफ्लावर, जिसका नाम है ब्रेसिका ऑलरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस फूल गोभी, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे अभी, ब्रेसिका ऑलरेसिया वेराइटी कैपिटाटा कैबेज पत्ता गोभी,
और बेसिका ऑलरेसिया गोंगिलार्डिस मतलब नॉल नॉल गांठ गोभी, इन गोभी में पत्ता गोभी को आप सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं कच्चा। लेकिन अभी मेरी सलाह तो यही है कि आप इसको अच्छे से धोइए, इवन गुनगुना पानी में धोइए और ज़्यादा अच्छा पका के खाइए। आजकल सब्जियों में वो पुराने ज़माने की तासीर नहीं रही, वो टेस्ट नहीं रहा, क्योंकि सब डुप्लीकेट खादों से और हाइब्रिड वैरायटी। जब तक देसी वैरायटी थी तब तक कोई बात नहीं सब्जियों में, बहुत टेस्ट था, कि जब से हाइब्रिड वैरायटी आई है तब से टेस्ट तो ख़त्म हो गया। आपको बारहों मास गोभी मिल जाएगी लेकिन स्वाद नहीं रहेगा। जो वास्तव में देसी गोभी अभी गाँव में मिलती है कभी कभी, वो एक सीजन में विंटर में ही, वही कम से कम क्वालिटी वाली स्वादिष्ट है। लेकिन अब अपने को पेट भी भरना, ध्यान सब चीज़ों का ध्यान रखना। फिर रेफेना सटाइवस रेडिस मूली, इसका भी सलाद मैंने जिक्र किया, बहुत बताया अभी। आइबेरी समारा, ये जो इसके फ्लावर्स चूँकि जाइगोमॉर्फिक हैं तो बड़ा सुंदर दिखता है, तो इसको आप ऑर्नामेंटल हर्ब्स के रूप में लगाते हैं, ठीक है, शोभाकारी फूल। अब इसके बाद आइए आपको क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बताते हैं। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, इसको हमने छोटा लिखा है क्योंकि इसके पहले कई बार हमने आपको क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन बताया है। चीज़ वही रेनेल्स में वही था, और आपका इसके पहले जो बताए थे फैमिली पेपा वाली सी उसमें भी था। तो सब फ्लावर में लगभग वही रहता है। फेनरोगेम्स सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्लावर्स हैं, इसलिए डाइकोटिलीडंस क्यों हैं, बिकॉज ऑफ दी टेट्रामेरस फ्लावर। यहाँ पेंटामेरस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रामेरस। फिर लीव कैसी हैं, रेटिकुलेट वेनेशन है, सीधी बात। फिर पॉलीपेटली में क्यों रखा गया, बिकॉज ऑफ पेटल्स आर फ्री। फिर सीरीज थैलिन फ्लोरी में क्यों हैं, बिकॉज ऑफ फ्लावर हाइपोगाइनस एंड ओरी सुपीरियर। फिर आता है पेराइटल्स ऑर्डर, तो पेराइटल्स ऑर्डर में जो रखने का मेन कारण है वो है आपका पेराइटल प्लेसेंटेशन। क्या है, नाम से ही है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। और उसके पहले एक पॉइंट और लिख दीजिए, यूनिलॉकुलर, ठीक, भले इसमें वाइलॉकुलर हो गई है पर अपने को ऑर्डर में लिखना है यूनिलॉकुलर पेराइटल प्लेसेंटेशन। एंड स्टेमंस जो हैं दे आर लिमिटेड इन नंबर, स्टेमंस की संख्या क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई है, ध्यान रहे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आता है ब्रेसिकेसी फैमिली। तो ब्रेसिकेसी फैमिली का मेन करेक्टर क्या हुआ, यहाँ पर आपको क्रूसी फॉर्म कोरोला मिलेगा, नंबर वन, नंबर वन कोरोला कैसा है, क्रूसी फॉर्म है। फिर टेट्रा डायनेमस स्टेमन है, मैंने पहले बताया 2+4 फैमिली है ये। और फॉल सेप्टम या रेप्लम बनने के कारण ओरी कैसी हो गई है, बाइलॉकुलर हो गई, और सिलिकुआ या सिलिकुला रूट, क्लियर। तो इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं कि भाई फ्लावर को देख के, अब देखिए यहाँ पर देख के आप बता सकते हो कि फैमिली क्यों इस फैमिली का है। तो पहला करेक्टर क्या हो गया, क्रूसी फेरी, क्रूसी फार्म कोरोला, फैमिली का करेक्टर। दूसरा टेट्रा डायनेमस स्टेमन, चार अंदर 2+4, ठीक है। थर्ड यूनिलॉकुलर से बाइलॉकुलर होना रेप्लम बनने के कारण, ठीक है, चार तो यही मिल गया आपको, करेक्टर आपको केवल फ्लोरल डायग्राम में ही मिल जाएगा। और इसके साथ साथ सिलिकुआ फ्रूट, ये वाला, ये सिलिकुला सिलिकुआ, इस प्रकार से, क्लियर। और यहाँ डाइकॉट क्यों है, दिखता है रेटिकुलेट वेनेशन। हाइपोगाइनस, देखिए हाइपोगाइनस में बता रहा था ये ओरी है, ओरी के नीचे से सब पार्ट्स निकले हैं, देखिए सब तमाम, ठीक है, ये पेडिकल है, ये थैलमस है, तो यहाँ पर इसको हाइपोगाइनस बोलेंगे, ठीक है। फ्लावर हाइपोगाइनस है, ओरी सुपीरियर है, ये आपका कैरेक्टर थैलमी फ्लोरी का हो गया। पॉलीपेटली मतलब पेटल्स आर फ्री, ये देखिए पेटल्स फ्री हैं, क्लियर। एंजियोस्पर्म में क्यों है पूछे, तो बताना सीड्स जो है ये जो ओव्यूलर सीड बनाएंगे, सीड किसके द्वारा क्लोज्ड हैं, ओरी वाल के द्वारा, देखिए सीड यहाँ पर अंदर है इस प्रकार से, ठीक है, ये देखिए, क्लियर। तो तमाम कैरेक्टर हैं, तो इस प्रकार से हम पूरा क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और फ्लावर को हम जान सकते हैं। तो आज के लिए हमने ब्रेसिकेसी फैमिली पे चर्चा की और आप लोग को कुछ बातें बताई, ठीक है, थैंक्स।